नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले दान और पुण्य के बारे में। वैसे तो इस मास में यदि आप भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, उनके निमित्त धूप दीप का दान करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि की विशेष तौर पर पूजा अर्चना करने का विधान है। जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ करता है, जाप करता है, मंत्रों का अधिक से अधिक बार जो है पठन करता है, या फिर अधिक से अधिक बार वो मंत्रों का ध्यान करता है, या फिर ब्राह्मणों की सेवा करता है, कुमारी कन्याओं का पूजन करता है, उस मनुष्य के जीवन में हरेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी जो मनुष्य इन सभी कार्यों को नहीं कर पाता है, उनके लिए ये तीन कार्य तो जरूर करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास में किए गए ये तीन कार्यों से समस्त सुखों को प्राप्त कराते हैं। पुरुषोत्तम मास में किए गए दान पुण्य पूजा पाठ, वर्ष भर आप जो भी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उनसे जो फलों की आपको प्राप्ति होती है, पुरुषोत्तम मास में उसी कार्य को करने से 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है, यदि आपने कभी भी किसी भी मंदिर में साल के कभी भी किसी भी वक्त दीप दान किया हो, तो उससे मिलने वाले जो फल आपको प्राप्त होंगे, यदि यही आपने दीप दान पुरुषोत्तम मास के दौरान किया है, तो 10 गुना ज़्यादा आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके हर कार्य में भगवान श्री हरि का वास माना जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं कौन से ऐसे तीन कार्य हैं जो पुरुषोत्तम मास में हमें अवश्य ही करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 18 जुलाई से ही हो चुकी है और ये 16 अगस्त तक रहने वाला है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि का नाम माना जाता है। भगवान श्री हरि को पुरुषोत्तम मास अत्यधिक प्रिय है। इस माह में जो भी व्यक्ति अनाज का दान करता है या फिर धर्म का दान करता है, धर्म का दान कहने का मतलब किसी भी धर्म ग्रंथ का दान करते हैं, या फिर कोई भी धार्मिक आप कथा किसी भी व्यक्ति को पढ़कर सुनाते हैं, तो ये सभी धर्म का दान ही कहलाता है। तो जो भी व्यक्ति इन कार्यों को करता है, उनको भगवान श्री हरि विशेष तौर पे जो है आशीर्वाद देते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास के दौरान तीन चीज़ों का दान विशेषकर हरेक मनुष्य को करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और आपकी कुंडली में यदि कोई भी ग्रह खराब प्रभाव दे रहा हो, तो पुरुषोत्तम मास में ये तीन दान करने से वो सभी ग्रह जो है होती है, जो ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रही होती हैं, खराब असर दे रही हैं, कुंडली को प्रभावित करती हैं, तो वो भी शुभ फल प्रदान करती हैं। सबसे पहले आप याद रखें, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का महत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। दीप दान अवश्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दीप दान आप करते हैं तो इससे बढ़कर और कोई बात हो भी नहीं सकती है। लेकिन यदि आप ना भी कर पा रहे हो, तो खासकर पुरुषोत्तम मास के आप अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन दीप दान करते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा फल इससे प्राप्त होता है। अब इसके साथ ही बात आती है कि दीप दान हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप दीप दान इस दिन करते हैं, खासकर जैसे किसी भी पवित्र मंदिर में, गौशाला में, किसी भी नदी तालाब या फिर जो भी पवित्र नदियां बहती हैं उसके आसपास, तुलसी जी के पौधे के पास, आंवले के पौधे के पास, किसी भी शिवालय में, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। यदि आप इस प्रकार से दीप का दान करते हैं, तो माना जाता है इसे दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि होती है। अब बात इसके बाद आती है, दीप दान में हमें कौन से तेल का इस्तेमाल करना है या फिर घी का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि आप घी का भी दीपक लगा रहे हों, तो उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डाल दें, इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब इसके बाद आती है कि दूसरा दान हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किस चीज़ का करना चाहिए। तो इसके बाद आपको मालपुए का दान करना चाहिए। 33 मालपुओं का दान करने का इस माह में विशेष महत्व बताया गया है। घी और गुड़ से बने हुए मालपुए का खास महत्व होता है। वैसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिस चीज़ में कि आपकी सामर्थ्य हो, उसी चीज़ का आप मालपुआ बनाकर
जरूरतमंद लोगों को दान करें और ब्राह्मणों को भी मालपुए का दान करें, 33 मालपुए दान करें। कहा जाता है यदि आप 33 मालपुए दान करते हैं तो एक पृथ्वी दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप हर एक दिन ना कर सके, प्रत्येक दिन आपसे ये ना हो संभव हो सके, तो खासकर किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी या फिर अष्टमी को करें। और ये भी यदि संभव ना हो सके तो आपकी जिस दिन भी इच्छा हो आप उस दिन 33 मालपुए का दान तो अवश्य की करें। पुरुषोत्तम मास में आपको तीसरी जो चीज दान करनी है वो है किसी भी केले के पौधे की, जो कि भगवान विष्णु के निमित्त मानी जाती है, भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और केले के पौधे का दान बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। अब बात आती है कि ये पौधे हमें कहाँ दान करने हैं। तो दोस्तों, ये पौधा किसी भी मंदिर में आप दान करें, आप अपने घर में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में विशेष कर दान करना चाहिए और अच्छी तरह से आप इनकी सेवा करें तब तक जब तक ये केले के पौधे जो हैं वो बड़े ना हो जाएं। जैसे जैसे हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति इसमें पूजा पाठ करेगा, भगवान विष्णु के निमित्त दीप दान यहाँ करेगा, जिस प्रकार से वो दान करते जाएंगे, जिस प्रकार से धूप, दीप, चंदन इत्यादि कोई भी व्यक्ति उनमें अर्पण करेगा तो उसका एक फल आपको भी प्राप्त होगा। बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा विशेष फल प्रदान करता है। करके देखें, फिर आप चमत्कार अपने जीवन में खुद महसूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।